जी, हमारी आज की प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य वो है कि मैं एक एल्बम कर रहा हूँ और मेरे प्यारे भाई हैं भरत जी, और हम लोग मिलकर एक इंडिया स्तर पे इंटरनेशनल स्तर पे एक एल्बम कर रहे हैं। उसका टाइटल हम लोग रखा है नच लई, और लोगों की मुझसे शिकायत रहती है कि आप एक टाइप के गाने गाते हो, या तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे प्रयास किए। ये एक ऐसा एल्बम है, इसमें हम लोग ने सब टाइप के गाने रखे हैं और इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। और नच लई जो एल्बम है मेरा आने वाला, उसको हम लोग आने वाले एक महीने के अंदर मार्केट में लेके आएंगे, और उसमें 6 या 7 गाने रखे हैं। और हमारी जो सोच है कि इसमें सब टाइप के गाने हो, एक क्लासिक हो, एक सूफियाना गाना हो, और इसमें आजकल हनी सिंह बहुत फेमस है, तो इसमें कुछ ऐसा हम लोग करें कि मैं गा रहा हूँ और भरत रैप कर रहे हैं इसमें, तो हर टाइप के गाने लिए हैं। और एक चीज जो मेरा मकसद रहता है कि मैं अपने राजस्थान के लोगों को प्रमोट करूं, तो राजस्थान के लोगों को प्रमोट करने के लिए मैंने ये किया है, बीकानेर के लोगों को प्रमोट करने के लिए। इसमें एक गाना एक कोई भी एक अच्छे टैलेंट का होगा, 6 गाने मेरे होंगे और एक जो बाकी का जो 7वां गाना है वो हम लोग किसी नए इंसान को देंगे, ताकि अपने राजस्थान की प्रतिभाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिले। और ये मेरा हमेशा से मन रहता था, और इस बार हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जी, 1 महीना डिसाइड किया है, हम लोग अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं, और हम लोग 2 गाने जोधपुर में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बाकी के 5 गाने हम लोग अभी बॉम्बे में रिकॉर्ड करेंगे, और उसका अच्छा से एक वीडियो बनाएंगे, और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने लोग संदीप आचार्य को प्यार करते हैं उनको मेरी तरफ से एक प्यारा सा एल्बम ये भेंट करना चाहता हूं। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूं, और न सिर्फ बीकानेर, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की प्रतिभाओं को बहुत बड़ा मौका मिले। और तो हम लोग एक कॉम्पिटिशन आयोजित कर रहे हैं अभी, तो बीकानेर में 14 तारीख से हम लोग ये कॉम्पिटिशन शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग बीकानेर से काफी अच्छे अच्छे सिंगर्स लेंगे, इसमें मॉडलिंग भी है, जिसमें हम लोग बीकानेर से राजस्थान के से कुछ अच्छे मॉडल्स लेंगे, और उनको हम लोग कंपटीशन के जरिए हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा अच्छे लोग इसमें हिस्सा लेना चाहे, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो मॉडल्स हो, तो 14 तारीख से इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाएं, आप इसमें हिस्सा लें, और जो इंसान जीतेगा, जो सिंगर जीतेगा, उसको मैं एक बहुत अच्छे एल्बम में अपने साथ में मौका दूंगा, और यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स कंपनी से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें मैं अपने जो विनर होगा सिंगर में उसको मैं अपने कॉन्सर्ट्स में भी लेके जाऊंगा, आने वाले 20 कॉन्सर्ट्स में। तो मेन मकसद वही है कि चाहे मॉडल्स हो चाहे सिंगर्स हो, मैं चाहता हूं कि उनको संदीप आचार्य इंडियन आइडल जो मैं हूं, मैं चाहता हूं कि उनको प्रमोट करूं, और लोग ये कहें कि हाँ, संदीप ने इनकी कुछ अपने शहर के लिए भी कुछ किया है।